नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है इनर्शिया, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहने की वो कोशिश करता है। अगर मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहे। जैसे हम सवेरे सोते हैं तो हमें नींद से जागने का मन नहीं करता, अगर आपकी नींद खुल भी गई तो आपका मन नहीं करता, अलार्म भी बजा तो उठने का मन नहीं करता। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अभी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की एक टेंडेंसी होती है। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझे, इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज। अगर इस पर कोई चेंज आता है तो उसको रेजिस्ट करना, यानी वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो ये रेजिस्ट करेगा किसी चेंज को। अभी इसमें कोई चेंज है क्या, ये जैसा है वैसा ही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। तो अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये खुद को रेजिस्ट करेगा कि यार मैं अभी रेस्ट में हूं, मुझे रेस्ट में ही रहने दो, मुझे मूव मत करो। या फिर मुंह अगर कोई कर रहा है तो उसको मुंह होने नहीं देगा खुद को, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलो कि 500 केजी का है, ठीक है, इसका मास कितना है 500 केजी, तो हम इसको मुंह नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मुंह कर पाएंगे, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। जितना ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया यानी छोटा सा ऑब्जेक्ट है मान के चलो कि 5 केजी का, तो हम इसको जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसका इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जो है वो कम होता है, इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे। इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया जो है 500 केजी है, तो इसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा रहेगा। और इसकी वजह से, इसका इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, इनर्शिया क्या है, उसकी टेंडेंसी टू रेजिस्ट, वो रेजिस्ट कर रहा है चेंज को, रेजिस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्ट करेगा चेंज को। चेंज को रेजिस्ट कर रहा है का मतलब क्या होता है, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने की कोशिश करेगा। ऐसी जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है इनर्शिया। अब ये ऑब्जेक्ट को जब हम हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये रेजिस्ट करेगा चेंज को, यानी अपने तरफ से फोर्स लगाएगा, पर इसका ज्यादा होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से हम उसको हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी एट द सेम टाइम कोशिश कर रहा है कि वो जैसा है वैसा रहे, पर ये भी कोशिश कर रहा है जैसा है वैसा रहे, पर जब हम इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये हिल जाएगा, क्योंकि इसका 5 केजी मास है, इसका इनर्शिया कम है, कि उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी तो है पर उसकी टेंडेंसी वो उतना वो अपना ताकत नहीं लगा पाता। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एक होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, एक ट्रेन है, ये यहाँ पे खड़ी है, और कोई 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे खड़ा है, तो आप मूव किसको कर पाओगे, इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है ट्रेन का, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है, तो आप इसको मूव कर पाओगे। ठीक है, पर इसको ट्रेन को कितना भी मूव करने की कोशिश करोगे तो वो मूव नहीं होगी, खड़ी है ट्रेन, ठीक है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है, इसको बोला जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान के चलो कि ये जो 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसको जो है वो व्हील्स है, और इसको आपने पुश किया, ढकल दिया, अब ये मोशन में है, अब ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तो ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये मोशन में ही रहेगा, ये भी मोशन, ट्रेन भी चल गई। अब ट्रेन को रोकना इजी है या फिर इस ऑब्जेक्ट को रोकना इजी है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को रोकना जो है वो इजी है, इस ऑब्जेक्ट को रोकना जो है वो कठिन है, हार्ड है, क्योंकि ये ट्रेन है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है क्योंकि इसका मास कम है। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको बोला जाता है, मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तो ये इनर्शिया डिपेंड होता है उसके मास पे, कि उसका मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, मास अगर कम है तो इनर्शिया कैसे होगा, कम हो गया। तो इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है जो रेजिस्ट करता है किसी चेंज को इन इट स्टेट, यानी वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, वो चेंज, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए टेंडेंस है कि वो रेजिस्ट करता है। समझ में आ गया बच्चों, अगर ये समझ में आ गया इनर्शिया क्या होता है, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।